आईएमपी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करना है तो इसको अपनों को मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं। तो आंसर है माना करणी 5, ठीक है, ये करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ये केवल अपन ने कल्पना की है कि ये परिमेय संख्या है, वास्तव में ये परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या क्या होगा, ये पी बटे क्यू के रूप में होगी, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में होगी। और ये जो नीचे क्यू है ये जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होता है क्यू। और क्या होगा, और ये होगा कि जहाँ पे P व Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या होगी, कोई भी बटे में नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कोई भी दशमलव में बटे में नहीं रहेगा, P बटे Q दोनों क्या आपस में पूर्णांक होंगे, अपने आप में पूर्ण होंगे। इस नियम को अगर फॉलो करती है तो ये परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या है, अपन ने मान लिया है कि ये है, तो क्या होगा, जो करणी 5 रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, P बटे Q के बराबर। इसके बटे में कुछ नहीं था, एक लगा दिया, त्रियक गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा होगा इसका, P एक का गुणा करेंगे तो P, इन दोनों का गुणा करेंगे तो करणी 5 Q ये जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि P के दो गुणनफल करनी 5 और Q है, ठीक है। तो अपन लिख भी सकते हैं इसे, अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि P के गुणनखंड करनी 5 व क्यू है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या है कि अपन ने माना था, ठीक है, माना था यानी ये कल्पना की थी अपन ने, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, परंतु यह हमारी कल्पना मात्र है, वास्तव में करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही इसका आंसर है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।